देखो इस तरफ BMW के साथ फोटो वगैरह खींचा थोड़ा, और कुछ इस तरह से थंबनेल में लिख दूंगा जंगल में मंगल, ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही तगड़ा। तो क्योंकि आज हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक नया टूरिस्ट प्लेस खुला है, ठीक है। तो आज हम जाएंगे वहाँ पर, तो आपको दिखाएंगे पूरा, मतलब नेचर का जो असली मज़ा है वो आज हम आपको देंगे, ठीक है। तो मैं अभी हूँ एक जगह पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा बाइक से, तो यहाँ पर देख सकते हो गाँव है। तो यहाँ पर गाँव का घर वगैरह देख लो, यहाँ पर कितना सारा डिज़ाइन वगैरह किया है लोगों ने, ये हैंडमेड है। यहाँ पे देखो बकरी वगैरह। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अभी, तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर चल कर देखते हैं। तो अभी सब रूम वगैरह सब कुछ बुक हो गया है, मतलब रूम फुल है। तो देखते हैं चलिए क्या क्या है अंदर, तो चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ का पूरा मतलब जंगल जंगल है, तो चलिए चलते हैं। ये देखो रूम वगैरह उस तरफ एक है, ये देखो छोटा छोटा है यहाँ पर, और यहाँ पे अभी काम वगैरह चल रहा है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। अरे अभी गिर गया था मैं। तो ये देखो असली व्यू यहाँ पे है, ये देखो क्या नज़ारा है, देखो भाई वो देखो उस तरफ पहाड़, और इस तरफ असली मज़ा आएगा अभी। ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो नाव जा रहा है दूर दूर तक, देखो डैम है, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है एकदम। भाई बाइकर वगैरह भी आए हैं बहुत सारे, ऊपर BMW वगैरह, हिमालयन रॉयल एनफील्ड खड़ा है वहाँ पर, पूरा व्यू। ये देखो यहाँ पर BMW है, BMW ऑनलाइन वगैरह में जो दे दिया है साइट, तो सब लोग आ रहे हैं बाहर बाहर से। ये पता नहीं WB24 था इसका जो नंबर प्लेट था, तो कहाँ से है पता नहीं, मुझे गूगल करना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर, ठीक है। तो ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ का नज़ारा, मतलब बैठे ही रहो बस, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो नेचर लवर है असली वाला, तो उनको तो ये एकदम जन्नत लगेगा, जन्नत। तो आ गया हूँ मैं ऊपर, और अब देखो ये देखो भाई साहब, रुको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ, चढ़ के दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखो एक अलग ही वाइब आ रहा है यहाँ से, जो वाव वाला फीलिंग है ना वो है, ठीक है। और ये मेरे घर से करीब करीब 10 किलोमीटर है, ठीक है। और आज मेरे साथ वैसा कोई नहीं है जो फोटो खींच दे मेरी, ठीक है। तो फोटो वगैरह तो आज ऐसा ही हो गया, वाट लग गई, ऐसा ही वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत बनाऊंगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पर वाइब बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा उस तरफ और जाके देखते हैं क्या है, ठीक है चलो। वहाँ पे देखो एक नाव चल रहा है, ठीक है। और दूर और एक दिखा रहा हूँ, रुको सीधा मुझे भी नहीं दिख रहा है, और रुको थोड़ा
ज़ूम करता हूँ। तो ये था कुछ यहाँ पर पत्थर वगैरह है, ठीक है। और नीचे वहाँ पर सब लोग बोट पे वहाँ से चढ़ रहे हैं, वो देखो वो वहाँ से, ठीक है, यहाँ से सब लोग नीचे ऊपर वहाँ पर बोट पे चढ़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो चलते हैं अभी, हमारे जो टूरिस्ट प्लेस है हम जहाँ पर पिकनिक करने आए हैं वहाँ पर चलते हैं। BMW के साथ फ़ोटो वगैरह खींचा, थोड़ा अंकल से रिक्वेस्ट करा, तो अंकल ने बोला हमने इसीलिए तो बाइक को यहाँ पर खड़े किया है कि फ़ोटो खींच सके ऐसे। तो अंकल ने भी एक फ़ोटो निकाल दिया, ठीक है, हिमालयन और BMW के बीच में, तो वो फ़ोटो आप देख सकते हो। और मैंने थोड़ा बहुत सिनेमेटिक लेने की को भी कोशिश की है BMW की, वो भी आप देखो, ठीक है। तो मज़ा आ गया यार BMW के साथ फ़ोटो खींच के। तो ये तो अभी औकात में नहीं है, औकात के बहुत बाहर है, ठीक है, मतलब उसको टच भी नहीं कर सकते अभी तो इसकी भी औकात नहीं है, ठीक है, वो खुद दिखाने के लिए बोल ही गया। थोड़ा चलो और आगे चलते हैं अंदर तक, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो बने रहना ब्लॉग में, ठीक है, नहीं रहा कुछ है वैसा, फिर भी चलते हैं देखते हैं क्या है। ये रहा यहाँ पर थोड़ा पार्क वगैरह, पार्क जैसा है, तो इसका एंट्री किस तरफ से है पता नहीं, देखना पड़ेगा। आ गया शायद इस तरफ से, तो एंट्री नहीं लग रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं चल के, हम तो है ही एडवेंचरियस। क्या इंग्लिश निकला मेरे मुंह से, खतरनाक वाला। और उस तरफ भी कुछ है शायद थोड़ा सा, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कैंपिंग, कैंपिंग कहते हैं ना वैसे ही, छोटा छोटा जो क्या बोलते हैं उसको, वो है जो भी है समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर अंदर तो लग नहीं रहा अंदर होगा कुछ, तो आगे जो वहाँ पर कैंपिंग, जो कैंपिंग जो लगा हुआ है जो भी है वहाँ पर चलते हैं देखते हैं क्या है। यहाँ पर कैंपिंग के लिए है शायद, ये अभी चालू नहीं है शायद, पता नहीं क्या है, देख के तो लग रहा है अभी चालू नहीं है। ये देखो यहाँ पर कैंपिंग वगैरह है, ठीक है, और यहाँ पर शायद ये वॉशरूम वगैरह है वहाँ पर, शायद वॉशरूम, वगैरह है। और यहाँ हाँ इसको कहते हैं टेंट, यहाँ पर लिखा है मैं भूल गया था, ठीक है, इसको टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ टेंट लगा हुआ है, ठीक है, अंदर लग तो नहीं रहा कोई है। देखे क्या किसी को उठा के, चलिए एक को उठा के देखते हैं, लगा हुआ है, ठीक है। तो कैंपिंग वगैरह यहाँ पर होता है, थंबनेल ले रहता है कुछ इस तरह से, और थंबनेल में लिख दूंगा जंगल में मंगल, ठीक है, जो भी है थंबनेल ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लूँगा। और यहाँ पर छोटा छोटा लाइट है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और चलते हैं यहाँ पर थोड़ा बैठ के देखते हैं। और यहाँ पर डस्टबिन वगैरह है, ठीक है, और यहाँ पर शायद, बॉनफायर वगैरह होता है, ठीक है, रात को, यहाँ पर बैठो आराम से, यहाँ पे पढ़ाई है लग रहा है, तंदूरी वंदूरी खाओ आराम से, अपना मौज लो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वो मज़ा मैं दिन में ही ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आग जल रहा है आप लोग शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आग है, ठीक है, आप लोगों को देख नहीं रहा लेकिन है। पर जो आग है इसको, इस आग को कहते हैं इनविजिबल आग, अच्छा, वो ये आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो चलिए फोटो वोटो लेते हैं थोड़ा और चलते हैं, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कुछ है उस तरफ, तो थोड़ा सा जाएंगे उस तरफ देखेंगे। एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इतना सारा टेंट है, ठीक है, और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, ठीक है, मतलब एक अलग ही शांति है यहाँ पर, ठीक है, चारों तरफ, और चारों तरफ जंगल ही जंगल। और वह उस तरफ ऊपर थोड़ा देख के आते हैं क्या है, ठीक है, फिर जाएंगे हम इस तरफ, ठीक है। आप लोग बोलोगे कहाँ इधर उधर कर रहे हैं यार, दिखाना कुछ दिखाना है तो दिखा। तो चलिए यार ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं वो वाला जो डैम्प है, वो डैम्प जो है हमारा यहाँ पर मुकुटमणिपुर डैम्प, वो उस डैम्प को टच करता है, तो वो भी मेरे सामने अभी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, 1, 2 and 3, ओहो क्या नज़ारा है यार, मतलब आप लोगों ने शायद सुना है बैंकुड़ा का जो है मुकुटमणिपुर, वो इस नदी के, मतलब ये उसका ही भाग है, ठीक है, वो टच में है। आप अगर स्टीमर से या बोट से जाओगे तो आप मुकुटमणिपुर पहुंच जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो कुछ यहाँ का है नज़ारा। और यहाँ पे है और एक चीज़,
ये बैठने के लिए, तो यहाँ पे आराम से अपना बैठो और व्यू एंजॉय करो। जबरदस्त क्या लग रहा है यार, हैं? अलग ही अलग ही। मैं तो डेली आ जाऊँगा, साइकिल से आ जाऊँगा। इतना सुना, यहाँ पर रहने का थोड़ा मसला है, मतलब थोड़ा दिक्कत है, रूम वगैरह भी तो मतलब काम चल रहे हैं, और रोड वगैरह भी थोड़ा सा ख़राब है, आते समय मैंने देखा, और तो वो वही चल रहा है। और अभी तो कुछ लोग बैरकपुर से भी आए थे कोलकाता, वो भी सब जो टूरिंग बाइक है, सब टूरिंग बाइक लेके आए थे, रॉयल एनफील्ड, हिमालयन, BMW। ठीक है, तो ये है, ये था कुछ, और चलते थोड़ा उस तरफ भी देख लेते हैं क्या है, इतनी दूर आए हैं तो। और भूख लगी है यार ज़बरदस्त, खाया नहीं है सुबह से कुछ भी। ठीक है, वैसे ही आ गया हूँ, ये देखो। और मैं जो यहाँ पर आया हूँ उस तरफ से, इस तरफ मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, मतलब एक और एक अलग शांति, मतलब एक नेचुरल जगह पे है हो आप, और वहाँ पर सिर्फ आप अकेले हो। ठीक है, तो वो और एक चीज़ यार, आप ये सब नज़ारा वगैरह देखने आते हो व्यू के साथ, और ये सब लाते हो, खाओ, मैं मना नहीं कर रहा, खाओ, लेकिन इसको साथ में लेके जाओ यार। अभी ये देखो, बॉटल वगैरह सब कुछ, ग्लास फेंक दिया यहाँ पर ही, यहाँ पर देखो कितना सारा पैकेट वगैरह है। ये मत करो यार, ये सब मत करो, पैकेट वगैरह है। ठीक है, ये सब मत करो। देखो अभी मैं इसको उठा के कहीं पे फेंक सकता हूँ, लेकिन फेंकूँगा कहाँ, चारों तरफ ही तो हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है, इस तरफ तो नदी है और इस तरफ भी जंगल है, तो ये सब मत करो। क्या करो, लेके आए हो साथ में लेके जाओ। ठीक है, ऐसा मत करो यार, ये थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर देखो बैठने का क्या है, आप लोगों ने ये सब फेंक के चले गए हो, मतलब आप लोगों ने क्या, मतलब जो भी आते हो यार, कहीं भी जाओ आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहाँ पे आओ मत फेंको यहाँ पे आने से, कहीं पे भी जाओ। ठीक है, कहीं पे भी जाओ, ऐसा कचरा मत फैलाओ, साथ में लेके आए हो साथ में लेके जाओ, कहीं पे डस्टबिन वगैरह में फेंक दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर फेंक के जाते हो तो अच्छा नहीं लगता ना दिखने में, ये नया खुला है जस्ट टूरिस्ट प्लेस, ये तो और भी नया है, ये तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर शायद उतना सारा वर्कर वगैरह भी नहीं है जो साफ वाफ करे। ठीक है, तो हर कहीं पे भी मतलब अलग अलग जगह का नेचुरल ब्यूटी है, वो आप ऐसे ख़राब मत करो। ठीक है, तो टेंट और इस तरफ थोड़ा सा मत, शायद नीचे जाने का है, तो आज हम अकेले ही सारा एडवेंचर कर लेंगे, मतलब मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, मैं तो बस फैमिली के साथ आया हूँ, तो मेरा फैमिली तो उस तरफ है, वो जो वो वाला रास्ता है, मतलब यहाँ से नहीं जा सकते क्या, यहाँ से जा सकते, एडवेंचर कर सकते हैं क्या। ये देखो कांच तोड़ के चले गए हैं, ये किसी के पैर में घुस गया या क्या हो गया, तो क्या करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और मैं सब लोगों को बोलूँगा कहीं पे भी जाओ सू पहन के जाओ, ठीक है, ऐसे ही नहीं तो किसी को आपका पैर में कांच घुस जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जा रहे एडवेंचर करके पत्थर में से निकल के, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है यार, ठंड लग गई, बहुत कम गड्ढा हो गया, ये तो गड्ढा देखो यार, ये देखो मेरा पैर, रुको यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ, भाई फ़ोन ना गिर जाए, मैं गिर जाऊँ चलेगा, रुको रुको यहाँ से जाता हूँ, ये थोड़ा सर नीचे है, ऊपर तो आ पाऊँगा ना, या गया नीचे एकदम, रुको, ओ ओ भाई भाई भाई, भाई। आ गया यार, ये देखो कितना ऊंचा था, देखो ये देखो इतना ऊंचा था, ये पत्थर काट के शायद ये रास्ता बनाया है। ठीक है, कितना ऊंचा था, और यहाँ से मैं कूद गया, भाई आपका माउंट एवरेस्ट भी पार कर देगा आप लोगों के लिए, भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, चलते देखते हैं इस तरफ, शायद नीचे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से नीचे जाने का, ठीक है, मतलब जो नदी है ना उसके पास जाने का, तो यहाँ से शायद नहीं है जाने का। अभी और एक दिक्कत हो गया, मेरा स्टोरेज फुल हो गया। ठीक है, देखते हैं, और मतलब कुछ क्या, मतलब सब कुछ कैप्चर करना पड़ा है, मतलब क्या ही कैप्चर नहीं करूँ, बोलो इतना सुंदर नज़ारा है, कैप्चर ना करके रह ही नहीं पाओगे, तो वो तो बनता है। और अभी मैं मतलब क्वालिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा करके यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्टोरेज ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी किसी के फ़ोन में नहीं तो ट्रांसफ़र कर दूँगा थोड़ा डाटा, फिर बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा है, 2 GB चलेगा, मैंने डिलीट वगैरह कर दिया कुछ ऐप वगैरह। ठीक है, ऐप वगैरह मतलब इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया, मैं ऐसा ही करता हूँ, मतलब
इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर इंस्टॉल कर लेता हूँ जब खाली होता है। हम नहीं जा सकते, ठीक है, तो सॉरी गाइस फॉर दिस, सॉरी ये क्या मैं बोल रहा हूँ, तो मैं शायद मैंने सोचा नीचे जा पाऊँगा, नीचे तो नहीं जा सकते। और ये है बाथरूम वगैरह है, बाथरूम शायद नीट एंड क्लीन ही होगा, देखते हैं खोल के। ताला लगा हुआ है क्या? नहीं खोला हुआ है, एक खोल के देखते हैं कैसा है। वाह ठीक है, बाथरूम वगैरह भी ठीक ही है। ये तो ऐसे नहाने का है, ठीक है। ये देखो ये वाला टॉयलेट जेंट्स के लिए है, वहाँ पर लेडीज़ के लिए है, ठीक है। तो चलते हैं, इस तरफ से आए थे हम, रास्ता ना भटक जाओ जंगली जंगल में, ऐसे भटकूंगा तो। और यहाँ पर बेसिन वगैरह लगा हुआ है, पानी है क्या? वाह अरे बस पानी भी है यहाँ पर, मैंने सोचा पानी नहीं होगा, अच्छा बात है। तो आएंगे कभी, मतलब कभी, मतलब कभी हाथ दांत धोने का होगा। पहले जानते तो मैं यहाँ पर ही नहाने आ जाता, पता नहीं था मेरे को। बाय बाय टेंट्स, आएंगे कभी, ठीक है। ओह और मैं तो भूल ही गया, मैं तो वो पार्क जो था, पार्क था वहाँ पर ले जा रहा था आप लोगों को। देखो कहाँ से क्या हो गया, पार्क देखने आया था, टेंट देख के, बाथरूम देख के, नज़ारा देख के चले गए, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया उसके साथ, तो वो पार्क का एंट्री मुझे दिखा ही नहीं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एंट्री, पार्क में घुसेंगे। एंट्री किधर से है? यहाँ से तो दिख रहा है, चलो थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। ये देखो मैं कहाँ से जा रहा हूँ, देखो एक बार, ये देखो कहाँ से टाउन होके होके जा रहा हूँ, देखो वहाँ से है एंट्री। ओहो वहाँ से है, वहाँ से मतलब सीधा अंदर जाओ। नहीं यहाँ से है रास्ता है क्या? नहीं यहाँ से रास्ता नहीं है, उस तरफ से मैं जो पिछली बार गया था ना, जहाँ पर मतलब पिछली बार कह रहा हूँ, जो थोड़ी देर पहले गया था, वहाँ से, वहाँ से आके इस तरफ से यहाँ पर, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मतलब बच्चों के लिए है, और यहाँ पर बैठ भी सकते हो, वहाँ पर स्लाइडर वगैरह है, यहाँ पर झूला, ठीक है। और यहाँ पर शायद वाटरफॉल है, और ये भी बच्चों के लिए है शायद, और वो पता नहीं क्या है, गोल गोल सा, ठीक है वो वाला। तो यह है कुछ, और यहाँ पर प्लांट वगैरह लगा हुआ है, मतलब अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी छोटा छोटा है। तो यह था कुछ, ठीक है। चलते हैं एडवेंचर करके। ओह अभी वाइड एंगल पे है मेरा फोन का, मकड़ी का जला घुस गया मुंह में। तो और ये शायद वो जो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर, गुमठी बोलते हैं क्या है पता नहीं, वो जो मतलब थोड़ा वगैरह मतलब सामान बिस्कुट वगैरह वो सब, और जो बोलो जुआ केसरी सब कुछ, वहाँ पर शायद वो सब होता है, शायद कुछ और भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, पता नहीं। चलो जो भी है छोड़ो, हमें क्या, हम चलते हैं। और मुझे ये बोलते दुख हो रहा है कि मैं फ़ोटो नहीं खींच पा रहा हूँ यार, कोई आओ यार फ़ोटो खींच दो, मेरा फ़ोटो नहीं हो रहा है मेरा। जब फ़ोटो नहीं होता ना, यहाँ पे लगता है सीधा, पता नहीं किस तरफ है, जो भी है दिल जिस तरफ है वो उस तरफ मतलब ज़ोर से लगता है, ठीक है। और भूख तो, भूख के मारे मतलब मेरा पेट भी, ये देखो आवाज़, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, खाली है कितने शांत। यहाँ पर पिकनिक, ठीक है पीछे। और मुझे मतलब मैं वहाँ पर जाके ढूंढ रहा था कि नीचे जाने का कहाँ है, और सीधा यहाँ पर ही है यार, हम जहाँ पर पिकनिक कर रहे थे, यहाँ पर सीधा जाओगे देख सकते हो शायद। कहाँ कहाँ मैं ढूंढ रहा था कि नीचे कहाँ से जाओ, और यहाँ से ही है सीधा। इसको कहते हैं जो भी है, वो देखने के चक्कर में बहुत सारा नज़ारा भी देख लिया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए कहते हैं, ठीक है। जो नेचर लवर है ना, असली वाला, वही समझ पाएंगे। देखो एक बार,